2024 मकर संक्रांति की सुबह यह 5 काम जरूर करें, दूर होंगे ग्रह दोष। मकर संक्रांति इस बार 15 जनवरी को मनाई जाएगी। यह सूर्य के उत्तरायण होने का महापर्व है। इस दिन से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाती है और चारों तरफ का माहौल बहुत ही शुद्ध हो जाता है। शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति के दिन स्नान करने के बाद दान पुण्य करके दिन का शुभारंभ करना चाहिए। इससे आपकी ग्रह दशा में सुधार होता है और हर प्रकार की नकारात्मक दूर होती है। हम आपको बता रहे हैं मकर संक्रांति के दिन सुबह कौन से 5 काम करने चाहिए। इससे आपकी कुंडली के ग्रह दोष दूर होते हैं। मकर संक्रांति के सुबह शुभ अवसर पर ग्रह दोष को दूर करने के लिए किए जाने वाले उपाय बहुत ही असरदार माने जाते हैं। इस दिन स्नान करने के बाद खिचड़ी और तिल से बनी चीजों का दान करने का विशेष महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सुबह के वक्त 5 शुभ कार्य करने से आपका शुभ फलों की प्राप्ति होती है और आपके ग्रह दशा में सुधार होता है। आइए जानते हैं कौन से 5 शुभ काम मकर संक्रांति के दिन करने चाहिए। मुख्य द्वार पर करें यह उपाय। मकर संक्रांति के दिन सुबह सबसे पहले मुख्य द्वार के ठीक से साफ सफाई करें और उसके बाद मुख्य द्वार के दोनों ओर हल्दी का जल छिड़के और सूर्य देवता को नमन करें। ऐसा करने से आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और घर की बुरी नजर से रक्षा होती है। दूसरा, स्नान के वक्त करें यह उपाय। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप स्नान करने गंगा नदी में नहीं जा सकते तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल और काले तिल मिलाकर स्नान करने से आपको गंगा स्नान के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा जल से स्नान करने के बाद घर के मंदिर देवताओं को नवीन वस्त्र पहनाएं। ऐसा करने से आपके घर में सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और पूरे साल आपके घर में बरकत होती है। नंबर तीसरा, नवग्रह का उपाय। मकर संक्रांति के दिन नवग्रहों के नाम से नमक रुई अथवा गर्म वस्त्र तेल चावल तिल गुड़ आलू कुछ पैसे दान के लिए निकाल कर रख ले और कुल देवी देवता की पूजा करें। पूजा करने के बाद इन्हें जरूरतमंदों को अथवा किसी पंडित पुरोहित को दान कर दें। ऐसा करने से आपको अनंत फल की प्राप्ति होती है और आपके धन में कई गुना वृद्धि होती है। जरूरतमंदों की मदद करने पर भगवान भी आपके भंडार सदैव भरे रखते हैं। नंबर चौथा, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ। मकर संक्रांति के दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना चाहिए। मकर संक्रांति पर स्नान और दान करने के बाद आपको कहीं शांत एकांत स्थान पर बैठकर आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। मकर संक्रांति के उपासना का पर्व है और इस दिन सूर्य के उत्तरायण होने की खुशियां मनाई जाती हैं। इसीलिए इस दिन आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करने से आपकी कुंडली में सूर्य के शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। पांचवा उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण, खिचड़ी का भोग। मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उड़द की दाल और कच्चा चावल से खिचड़ी बनाकर देवी देवताओं को भोग लगाएं और स्वयं भी खिचड़ी और तिल से बनी चीजों का सेवन करें। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी का दान करने का भी विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव कुंडली से दूर होते हैं। मकर संक्रांति के दिन गाय को हरी घास खिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। मकर संक्रांति पर काले तिल से कर ले ये उपाय। चौथे नंबर का ये उपाय करते ही पैसों से भर जाएगी झोली। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार मकर संक्रांति का त्यौहार 15 जनवरी 2024 को पड़ रहा है। इस दिन काले तिल से किए गए कुछ उपाय आपके जीवन में चमत्कारी लाभ पहुंचाते हैं। काले तिल से किए गए उपायों से पितृ दोष से मुक्ति, बुरी नज़र से बचत, घर के कलेश, धन लाभ आदि समस्याओं से निजात पाई जा
पाई जा सकती है। हिंदू धर्म शास्त्रों में मकर संक्रांति का दिन विशेष महत्व रखता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन सूर्य धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। इस दिन सूर्य देव की आराधना का विशेष महत्व है। मकर संक्रांति के दिन काले सफेद तिल के उपाय शुभ प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति के दिन काले तिल से किए ये उपाय व्यक्ति को पितृ दोष से मुक्ति दिलाते हैं। इस दिन पवित्र नदी में स्नान कर बहते जल में काले तिल प्रवाहित कर दें। इस दौरान पितरों का स्मरण अवश्य करें। इसके साथ ही गरीबों को काले तिल का दान करें। इससे पितृ दोष दूर होता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। मकर संक्रांति के दिन नहाने के पानी में कुछ काले तिल डाल लें और इस पानी से स्नान करें। इसके साथ ही साफ पानी में तिल भिगोकर उसका उपटन बना लें। इससे बुरी नजर रक्षा होगी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ अर्पित करें। इस दौरान लोटे में कुछ काले तिल लें और अर्घ अर्पित करें। साथ ही एक मुट्ठी तिल को कपड़े में बांध लें और किसी पीपल के पेड़ की जड़ की मिट्टी खोदकर उसी मिट्टी में दबा दें। इससे व्यक्ति को कर्ज से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के संध्या काल में लाल कपड़े में थोड़ा तिल लेकर उसकी पोटली बना लें और ये पोटली सूर्य देव को अर्पित करें। अब इस पोटली को तिजोरी में रख दें। इससे आपके खर्च कम होंगे और धन की कमी दूर होगी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ऐसे में आज के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए पवित्र नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन आप पवित्र नदी में स्नान कर लाल चंदन, लाल फूल, अक्षत, गुड़, तिल से उन्हें अर्घ अर्पित करें तो निश्चित ही आप पर सूर्य देव की कृपा आप पर बरसेगी। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को अर्घ देने से पहले जल में मिला दें। ये चीजें शुभ फलों की प्राप्ति के लिए अजमाएं ये उपाय। अगर आप भगवान सूर्य की कृपा पाना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन उन्हें अर्घ देते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। साथ ही इस दिन अन्य उपायों को भी जरूर अजमाएं। शास्त्रों के अनुसार सूर्य जब भी एक से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो इसे संक्रांति कहा जाता है। इस साल सूर्य मकर राशि में प्रवेश रात 2:43 पर करेंगे। इसी कारण इस साल मकर संक्रांति का त्यौहार 14 की जगह 15 जनवरी को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन तीर्थ स्थलों और पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान करने का विशेष महत्व है। कहते हैं कि संक्रांति के दिन दान दक्षिणा या धार्मिक कार्य करने से मकर संक्रांति के दिन भगवान सूर्य की उपासना का विधान है। इसके अलावा मकर संक्रांति के दिन कुछ खास उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य के उगने पर तांबे के लोटे या गिलास में शुद्ध जल लेकर उसमें कुमकुम और लाल फूल डालकर भगवान को अर्घ दें। फिर कुश के आसन पर बैठकर सूर्य गायत्री मंत्र का इच्छानुसार जाप करें। अपने सुख सौभाग्य में वृद्धि के लिए मकर संक्रांति के दिन 14 की संख्या में किसी भी एक चीज का सुहागिन औरतों को दान करना चाहिए। सूर्य देव के शुभ फल प्राप्त करने के लिए कल के दिन गुड़ और कच्चे चावल बहते हुए जल में प्रवाहित करें। अपने मन की कोई इच्छा पूरी करना चाहते हैं तो मकर संक्रांति को तांबे का सिक्का या तांबे का चौकोर टुकड़ा बहते पानी में प्रवाहित करें। साथ ही एक लाल कपड़े में गेहूं और गुड़ बांधकर किसी जरूरतमंद को दान करें।
आर्थिक रूप से लाभ पाने के लिए मकर संक्रांति यानी कल सुबह के समय स्नान के बाद पूर्व दिशा में एक पाटे पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर सूर्य देव की तस्वीर या मूर्ति रखें। अब पाटे के सामने आसन बिछाकर बैठें और पंचोपचार से भगवान की पूजा करें। पूजा के बाद भगवान को गुड़ का भोग लगाएं और अंजलि में लाल फूल लेकर अर्पित करें। अब 108 बार सूर्य मंत्र का जाप करें। अगर संभव हो तो लाल चंदन की माला से मंत्र जप करें। इस मंत्र इस प्रकार है। मंत्र इस प्रकार है, ओम घृणी सूर्य नमः। इस मंत्र को अवश्य करें। आपके घर परिवार को कभी किसी की नजर न लगे, इसके लिए मकर संक्रांति वैण्य की श्री गणेश चतुर्थी के दिन 5 कौड़ियां लें और उन्हें घर के मुखिया के ऊपर से 7 बार वार कर गणेश जी के चरणों में स्पर्श करवा लें। इसके बाद इन कौड़ियों को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपका पैसा कहीं फंस गया है, जिसको आपने पैसा दिया था अब वह वापस लौटाने का नाम नहीं ले रहा है, तो मकर संक्रांति के दिन एक गोमती चक्र लें और शाम के समय कहीं वीराने में जाकर एक छोटा सा गड्ढा खोद दें और उस गड्ढे में ओम गंग गणपतयाय नमः मंत्र का जप करते हुए गोमती चक्र दबा दें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब पर जरूर कर दें। कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री नमस्कार।